हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे बेबी गर्ल के लिए साइड प्लेटेड कुर्ती की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से। सो गाइज, ये जो कुर्ती है ये 2 से 4 साल तक की बच्ची के लिए सही आ जाएगी। बाकी जो हेल्थ वाइज आप साइज़ में थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं, यानी लेंथ में और विड्थ में अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं, और अगर आप मेरे हिसाब से बनाएंगे तो भी फिट आएगा। यानी 2 से 4 साल तक की बच्ची के लिए फ़्रॉक बहुत अच्छे से आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब देखिए, ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने 1/2 मीटर रियॉन फैब्रिक लिया है। सो मैंने इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है, 2 इसकी ओपन साइड है और 1 फोल्डेड साइड है। तो बंद वाली साइड हमने अपनी तरफ रख ली है, और यहाँ से जो लंबाई है वो 21 इंच है, तो लंबाई आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और इसकी जो चौड़ाई है यानी अरज है, फोल्ड करने के बाद ये 10.5 इंच है। अगर इससे ज़्यादा भी आप अरज लोगे तो ठीक रहेगा। इसके बाद 2 मीटर कॉटन लेस ले ली है मैंने, और अगर आपको बैक में भी चाहिए तो आपको कम से कम 3 से 3.5 मीटर लेस लेनी होगी। अब देखिए, यहाँ से हम शोल्डर का हाफ लेंगे, तो 4.5 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे। उसके बाद नेक की चौड़ाई मैं 2 इंच ले रही हूँ, 2 इंच बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर अदरवाइज़ आप अगर नेक छोटा बनाना चाहते हैं तो आप पीछे की तरफ ओपन करके भी बना सकते हैं, यानी बटन लगाकर भी। अब इन दोनों मार्क को हम इस तरह से मिला देंगे, ये हमारी कंधी डाउन हो जाएगी। इसके बाद यहीं से हम आर्महोल की लेंथ लेंगे, तो आर्महोल की लेंथ भी 4.5 इंच लेंगे। जितना हमने शोल्डर लिया था उतना ही आर्महोल की लेंथ ले लेंगे। अब हमने अपना बस्ट का 4th पार्ट लेना है, तो सीने की चौथाई के लिए यहाँ पर मैं 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ। आप 1/2 इंच कम या ज़्यादा अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जितना भी आपको बच्ची के लिए लूज़ फिट चाहिए। और आगे की तरफ 1.5 से 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ 1 इंच मार्जिन ले रही हूँ, क्योंकि मेजरमेंट के हिसाब से मैं काफ़ी लूज़ बना रही हूँ, इसलिए ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत नहीं होगी। अब हमने यहाँ पर फ्री हैंड से बैक आर्महोल और फ्रंट आर्महोल की इस तरह से शेप दे देनी है। इसके बाद शोल्डर पर इंच टेप रखेंगे और अपर बॉडी लेंथ ले लेंगे, तो मैं यहाँ पर 9 इंच पर मार्क करूँगी। आप चाहे तो 9.5 इंच से 10 इंच तक भी ले सकते हैं, तो यहाँ पर मैं सिर्फ 9 इंच पर मार्क करूँगी। इसके बाद यहीं से हम अपने वेस्ट का 4th पार्ट मार्क करेंगे, तो वेस्ट के लिए मैं 6 इंच ले रही हूँ। यहाँ से मैं 6 इंच ले रही हूँ, आप 6.5 इंच भी ले सकते हैं। जैसा कि बच्चों का टमी जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, तो जितना बस्ट होता है उतना ही हमारी वेस्ट भी आ जाती है। फिलहाल मैंने अच्छे शेप देने के लिए 6 इंच मार्क कर लिया है। अब इसे मार्क को आगे भी मिला देंगे, और यहाँ से हम अपनी वेस्ट के लिए भी मार्जिन ले लेंगे, तो यहाँ भी मैं 1 इंच लूँगी। और अब ये जो 2 हमारे फिटिंग और कटिंग के मार्क हैं, इनको आपस में मिला लेंगे इस तरह से। तो ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने यहाँ पर जो लेस लगानी है उसकी मार्किंग करनी है, तो बंद साइड से आगे की तरफ मैं 2.5 इंच पर मार्किंग करूँगी। आप चाहें तो इस तरह से सेंटर भी मार्क कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर 2.5 इंच लिया है। ये देखिए 2.5 इंच है। अब 2.5 इंच को हम कमर पर मार्क करेंगे, तो यहाँ से 2.5 इंच किया और नीचे की साइड भी 2.5 इंच ले लेंगे। इसके बाद जो नीचे ऊपर हमने मार्किंग की है, यहाँ पर हम छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे। इन नॉचेस से हमें आइडिया हो जाएगा कि लेस हमने यहाँ से स्टार्ट करनी है और यहाँ लाकर एंड करनी है, तो बस लेस को हमने सीधा सीधा लगाना है, इसलिए हमने ये मार्किंग कर ली है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए, जहाँ तक हमने ये 2.5 इंच का मार्क किया था, यहाँ तक हमने छोड़ते हुए आगे से इसको कट कर दिया है कमर की साइड से। तो इतना हम छोड़ देंगे, और ये जो प्लेट्स हैं कुछ इस तरह से आएंगी। अब साइड से जो कपड़ा बच रहा है, इसमें से आप चाहें तो छोटी सी स्लीव भी बना सकती हैं, या फिर आप चाहें तो इस फैब्रिक से नेक के लिए राउंड स्ट्रिप या फिर तिरछी पट्टी भी कट्स कर सकती हैं। सो नेक आप अपने हिसाब से बना सकती हैं, बुकरम पर या फिर कैनवास पर, बट मैं तिरछी पट्टी पर बनाऊँगी। तो पहले मैं नेक कट कर लूँगी, उसके बाद तिरछी पट्टी कट करके नेक बनाऊँगी। तो नेक की चौड़ाई यहाँ पर 2 इंच ही लेंगे, और नेक की जो लेंथ है वो मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। तो ये हमारे बैक नेक की लेंथ होगी 3.5 इंच। उसके बाद हमने ये नेक की शेप दे देनी है और इसकी कटिंग कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, नेक आप राउंड स्ट्रिप, तिरछी पट्टी या फिर कैनवास पर जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बना सकते हैं। सो ये हमने फ्रंट और बैक का नेक एक साथ कट कर लिया है। अब इसमें से हम एक बैक वाला पार्ट निकाल देंगे, ये वाला, ये साइड में रखेंगे, और इस वाले पार्ट को दोबारा से फोल्ड कर लेंगे। इसमें हमने आर्महोल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है और नेक की गहराई कट करनी है।
ये कुर्ती मैं गर्मियों के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैं इसमें स्लीव नहीं लगाऊंगी, तिरछी पट्टी लगाकर आर्म होल फिनिश करूंगी। आप इसमें स्लीव भी लगा सकते हैं। और ये जो फ्रंट का नेक है मैं आधा इंच और गहरा कर दूंगी। सो यहाँ से हल्की सी गोलाई लेते हुए यहाँ लाकर हमने इसको एंड कर देना है। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, देखिए ये साइड से जो हमने कट दिया है यहाँ पर हमने छोटी छोटी प्लेट्स डाल देनी है और इस पर सिलाई कर देनी है। इसी तरह से हम अपना बैक वाला पार्ट भी रेडी करेंगे। तो इसमें भी हमने बिल्कुल ऐसे ही करके प्लेट डाली है जैसे हम फ्रंट में डालेंगे। सो दोनों में इस तरह से देख सकते हैं आप, मैंने प्लेट डाली है, ये हमारा बैक वाला पार्ट था और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। अब हमने इसमें लैस लगानी है। तो यहाँ पर जो हमने नॉचेस लगाए थे 2.5 इंच के दूरी पर, यानी जो इसकी खुल के चौड़ाई है वो 5 इंच है, तो अब हमने यहाँ पर लैस लगानी है। सिंपली अपनी लैस को इन मार्किंग पर रखेंगे जो हमने नॉचेस लगाए थे यहाँ पर इस तरह से, और एक सिलाई लगा कर ये लैस दोनों साइड में इस तरह से लगा देंगे। आप अगर आप ज़्यादा लैस लगा रहे हैं तो आप ये लैस बिल्कुल बैक में भी इसी तरह से लगा सकते हैं, बट मेरे पास लगभग 1.25 मीटर लैस थी तो मैं फ्रंट में ही लगा रही हूँ। फ्रंट में लगाने के बाद अब हमने इसकी कंधियाँ ज्वाइन कर देनी है। सो यहाँ से हमने बराबर मिलाकर रखना है और आधा इंच का दबाव लेते हुए दोनों कंधियों को स्टिच कर देना है। इस तरह से हमारी कंधियाँ स्टिच हो गई हैं और लैस भी हमने लगा ली थी। अब हमने इसका नेक फिनिश करना है। तो नेक फिनिश करने के लिए मैं तिरछी पट्टी लगाऊंगी। सो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच चौड़ी ये तिरछी पट्टी कट की है। अब इसको डबल कर लेंगे और यहाँ से रखते हुए एक पैर की सिलाई लगाकर पूरे राउंड में इस पट्टी को लगाएंगे। उसके बाद इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और जैसे मैं नेक तैयार करूँगी वैसे ही बिल्कुल मैं ये अपना जो आर्म होल है इसको भी फिनिश कर लूँगी। तो इस पर भी मैं तिरछी पट्टी लगाऊँगी। तो लीजिए इस तरह से हमारा नेक और आर्म होल फिनिश हो चुका है। पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके भी मैंने एक पैर दूरी पर सिलाई लगाई थी और उसके बाद मैंने इसके ऊपर आयरन कर ली ताकि ये जो गोलाई है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब हमने फ्रंट आर्म होल में ये लैस लगानी है। तो सिंपली लैस को कुछ इस तरह से रखेंगे और यहाँ भी एक सिलाई के साथ इसको अटैच कर देंगे। दोनों आर्म होल में मैं इसी तरह से लगाऊंगी। सो ये लैस मैं सिर्फ फ्रंट में ही लगा रही हूँ, आप इसको बैक में भी रिपीट कर सकते हैं। आर्म होल में लैस लगाने के बाद हमने इसकी फ़िटिंग कर लेनी है। सो यहाँ से हमने लगभग 1 इंच का जो मार्जिन छोड़ा था उसको दबाव लेते हुए इसकी फ़िटिंग नीचे तक कर देंगे। हम इसमें स्लिट ओपन नहीं कर रहे हैं, आप चाहे तो इसमें स्लिट भी ओपन कर सकते हैं। दोनों साइड क्लोज़ करने के बाद अब हमने इसका जो घेरा है वो फोल्ड कर लेना है। तो यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर हम इसका घेरा फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी ये साइड प्लेटेड कुर्ती रेडी हो चुकी है। ये मैंने फ्रंट आर्म होल में लैस लगा दी है और घेरा भी फोल्ड कर लिया है। इसके बाद जो हमने साइड में प्लेट्स बनाई थी यहाँ भी हमने लैस लगा देनी है। सो दो लैस के टुकड़े लिए हैं मैंने। अब ऊपर वाली लैस के नीचे थोड़ा सा दबाते हुए पीछे की तरफ यहाँ पर हमने ये लैस को लगा देना है। जितनी एक्स्ट्रा होगी मैं कट कर दूँगी और इसी तरह से हम इस साइड में भी ये लैस लगा देंगे। सो गाइज़ अगर आप यहाँ साइड में डोरी लगाना चाहते हैं तो लैस को स्टिच करते हुए ही साथ साथ में आप डोरी भी अटैच कर सकते हैं, बट ये बच्ची की फ़्रॉक है तो इसमें डोरी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होगी। अब देखिए आप इस लैस को कैसे लगा सकते हैं, सिंपली यहाँ से रखना है इस तरह से और ये इस तरह से ओपन करके साइड में यहाँ पर बस हमने सिलाई लगा देनी है। तो दोनों लैस को हम साइड में इसी तरह से लगाकर इसको फिनिश कर देंगे और इसी सिलाई के साथ हमारी ये साइड प्लेटेड कुर्ती तैयार हो गई है। सो गाइज उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर आपको छोटी बच्चियों के लिए और डिज़ाइन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं, मैं आगे भी इस तरह के डिज़ाइन पोस्ट करती रहूँगी। या फिर आप बेबी गर्ल के लिए अपना कोई डिज़ाइन मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। सो फ्रेंड्स यहाँ आकर वीडियो कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ अब तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे जैसे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आएंगी उसी के अकॉर्डिंग मैं डिज़ाइन शेयर करती रहूँगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।